आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ए गिव्स बी एज मैनी रुपीज एज बी हैज एंड सी एज मैनी रुपीज एज सी हैज। तो मतलब क्या किया, ए ने बी को उतने रुपए दिए जितना बी के पास है और सी को भी उतना रुपए दिए जितना सी के पास है, ठीक है। सिमिलरली बी देन गिव्स, अब उसके बाद क्या हुआ कि बी ने ए और सी को दिया उतना उतना रुपया जितना ए और सी के पास था। फिर उसके बाद तीसरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि सी ने ए और बी को दिया जितना उनके पास रुपया है, ठीक है। तो अब उसके बाद फाइनली लास्ट में क्या देखा गया कि इफ ईच फाइनली है 16 रुपीज, लास्ट में सबके पास 16-16 रुपए हों, सो विद हाउ मेनी रुपीज डज ए स्टार्ट, तो कितने रुपये से ए ने स्टार्ट किया था। तो हम क्या नोट करेंगे, पहले जो लास्ट कंडीशन दे रखी है 32 की, तो यहाँ पर ए हम यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ बी नोट कर लेते हैं, यहाँ सी नोट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में सबके पास क्या क्या है, 16-16 रुपए हैं, ठीक है। उसने बोला सबके पास कितने रुपए हैं, 16 रुपए हैं। तो 16 रुपए, सो थर्ड ट्रांजेक्शन जो लास्ट में तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ था, यहाँ पे नोट कर ले थर्ड ट्रांजेक्शन। सो थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, थर्ड ट्रांजेक्शन में हुआ था कि सी ने ए और बी को उतना उतना रुपया दिया था जितना उनके पास पहले है। जब सी ने ए और बी को दिया होगा तो जब ए और बी को देने के बाद ही तो 16 हुआ होगा, इसका मतलब ए के पास कितना रहा होगा, पहले 8 रहा होगा, बी के पास भी 8 रहा होगा। तो जब सी ने इनको 8 दिया तो इसके पास भी 16 हो गया और इसके पास भी 16 हो गया। तो सी के पास जब इन दोनों को सी ने 8-8 दे दिया तो सी के पास कितना रहा होगा, 32 रहा होगा, 16+16, क्योंकि 16 रुपए तो उसने दे दिया ना 8-8 करके, तो इसके पास 32 रुपए रहा होगा। तो 32 में इसने 8 रुपए इसको दे दिया, 8 इसको दे दिया, तो 16 इसके पास बन गया, 16 इसके पास बन गया, और 16 इसके और 32 इसके पास। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन के पहले 32 सी के पास था, इसके पास 16 था, और इसके पास 8 था थर्ड ट्रांजेक्शन के पहले, और इसके पास भी 8 था, ठीक है। तो जब इसने 32 में से 8-8 दे दिए तो सबके पास 16-16 हो गए। अब सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि सेकंड ट्रांजेक्शन में बी ने दिया। सिमिलरली बी देन गिव्स ए एंड सी, बी ने दिया ए और सी को कितना कितना, उतना रुपया दे दिया जितना ए और सी के पास है। तो ए के पास कितना हुआ था, 8 रुपए, तो इसका मतलब ए के पास 4 रुपए रहा होगा, तो बी ने 4 रुपए इसको दे दिया, तो इसके पास 8 हो गया। इसके पास 32 है, तो इसका मतलब जब चूंकि इसके पास 8 है तो इसको कितना दिया होगा इसने, ठीक है, इसके पास 16 रुपए था उस टाइम पे, तो इसके पास 32 था लास्ट में, तो 32 देने के बाद हुआ होगा ना इसके पास, तो इसको मतलब इसने 16 रुपए दिए होंगे तब इसके पास जाकर के 32 रुपया हुआ होगा। तो जब बी ने 4 रुपए इसको दिए, 16 इसको दिए, तो जब इसको 4 दिए तो इसके पास 8 हो गया, और जब इसको 16 दिए तो इसके पास 32 हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या इसमें एक चीज़, इसने रूल क्या है कि उतना ही रुपया दिया जाता है जितना उसके पास ऑलरेडी है। तो सी के पास थर्ड ट्रांजेक्शन के पहले 32 रुपए था, तो 32 रुपए कब हुआ होगा, जब 16 में 16 उसको और दिया गया होगा। तो बी ने मतलब 16 रुपए इसको दिया था और 4 रुपए इसको दिया था, तब बी के पास 8 बचा था। तो सेकंड ट्रांजेक्शन के पहले बी के पास कितना रहा होगा, 28 रुपए रहा होगा सेकंड ट्रांजेक्शन के पहले बी के पास 28 था, इसके पास 4 रुपए था, और ठीक है, और इसके पास 16 रुपए था। तो जब उसने रुपया दे दिया इसको 4, तो इसके पास 8 हो गए, और इसको 16 दे दिए तो इसके पास 32 हो गए, ठीक है। ये सेकंड ट्रांजेक्शन के हैं। अब पहले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, हम वो देख लें कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में किसने दिया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ए ने दिया बी और सी को। तो जब ए ने दिया बी और सी को, और ए के पास कितना रुपया है, अभी 8 रुपया है, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में ए ने दिया, तो चूंकि इसके पास 28 कब हुआ होगा, जब इसने 14 रुपया इसके पास रहा होगा और 14 रुपया ए ने इसको दिया होगा। इसके पास कितना है, इसके पास 16 रुपया है, ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन के पास। तो 16 कब हुआ होगा, जब इसने 8 रुपया इसको दिया होगा, क्योंकि 8 इसके पास पहले से रहा होगा, तो 8 जितना इसके पास पहले था उतना इसने 8 और दे दिया, तो 16 हो गया। इसके पास 28 कैसे बना हुआ होगा, जब इसके पास 14 पहले रहा होगा और 14 ए ने इसको और दे दिया होगा। तो अब ए के पास कितना अमाउंट रहा होगा, ए के पास था पहले 4, अब इसने 14 इसको दे दिया बी को और 8 दे दिया सी को,
तो ए के पास कितना रहा होगा पहले ट्रांजेक्शन के पहले, तो 14 4 18 18 8 26, तो ए के पास 26 रुपए था स्टार्टिंग में। 26 में उसने 14 रुपया बी को दिया और 8 रुपया सी को दिया, तब जा करके इसके पास 28 हुआ और इसके पास 16 हुआ। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में बी ने दिया, ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन में, तो जब इतना देने के बाद बचा ए के पास 4 रुपए, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में बी ने दिया ए को और सी को, तो बी ने कितना दिया ए को, ए के पास 4 रुपए था, तो बी ने ए को दिए 4 रुपए, तो बी के पास 8 हो गया और इसके पास 16 था, 16 और दे दिया तो 32 हो गया। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में बी ने दिया, तो जब ये 32 हो गया सी के पास, तो सी ने क्या किया कि जब इसने इतना इतना दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 8 बचा, तो सी ने 32 में से 8 रुपए इसको दिया, तो 16 हो गया इसके पास, और इसके पास चूंकि 8 रुपए था तो इसको भी 8 दे दिया, तो इसके पास भी 16 हो गया। तो इस तरह से हम पीछे साइड से थर्ड ट्रांजेक्शन से आगे तक आएंगे, तो लास्ट में क्या मालूम चला ए के पास कितना रुपया था, 26 रुपए। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।